नमस्कार मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं चार मार्च सोमवार महाशिवरात्रि मेस और कुंभ राशि वालों आप बनने वाले हैं महाक्रोड़पति क्योंकि आपके लिए ये समय धन आगमन का है और इस शिवरात्रि पर आपकी पलटेगी किस्मत वीडियो के एंड में उपाय बतलाऊंगी आप जरूर देखिएगा आपको फायदा होगा सबसे पहले जानते हैं पंचांग सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में और मकर राशि में चंद्रमा होने से भाग्य आपका पूरा साथ देगा हालांकि विषकुम्भ योग बन रहा है लेकिन 4 मार्च 2019 को महाशिवरात्रि सोमवार के दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि फाल्गुन महीना और श्रवण नक्षत्र रहेगा दोपहर के बारह बजकर दस मिनट तक शुभ समय है बारह बजकर नौ मिनट से बारह बजकर छप्पन मिनट तक और राहु काल का समय है आठ बजकर ग्यारह मिनट से नौ बजकर अड़तीस मिनट तक चार मार्च दो हज़ार उन्नीस की सोमवार को जब सिंह राशि और कुंभ राशि वालों आप पर जी की कृपा बरसेगी और भर भर कर बरसेंगी क्योंकि यहाँ की एक तो कुंभ राशि शनि की राशि है और दूसरा मेष राशि मंगल की और ये दोनों ही अभी शिव जी के प्रिय राशियों में हैं शनि पश्चिम दिशा का स्वामी भी है कारक भी है और धन आना अब शुरू हो रहा है बहुत ही खास रहेगा आपके लिए ये महाशिवरात्रि आप लोगों का भाग्य करीब नाइन्टी नाइन परसेंट चमकेगा और पूरे चार महीने तक सूर्यदेव आपको बहुत सुफल देने वाले हैं हालांकि विश्व योग बनने से आपके लिए अमीर बनने के रास्ते खुलेंगे क्योंकि सभी राशियों के लिए ये शुभ योग नहीं है पर आप लकी राशियों में से एक हैं और आपके लिए ये समय चमकने वाला है अभी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना थोड़ा सा आवश्यक है क्योंकि विश्व कुंभ योग बन रहा है ना तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा लेकिन धन के मामले में आप बहुत लकी रहेंगे और इस समय जो भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे खासकर चार मार्च सोमवार के दिन के दोपहर के बाद से उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी महाशिवरात्रि के दिन आप पूजन जैसे करते हैं वैसे ही कीजिएगा लेकिन एक उपाय आपको करना है खास तौर पर आप पूजन के तौर पे शिव जी को जल अर्पित कीजिए दूध की धारा अर्पित कीजिए घी की धारा अर्पित कीजिए शहद की धारा अर्पित कीजिए घी अर्पित कीजिए चंदन का लेप लगाइए आपके लिए जो भी संभव है आप कीजिए लेकिन कम से कम भांग और बेलपत्र समीपत्र जो शनि की पीड़ा से दूर रखेगा और साथ ही साथ धतूरा जरूर अर्पित कीजिएगा और पूजा के अंत में पान का पत्ता उस पर थोड़ा सा दक्षिणा रखिए एक सुपारी और उस पर मोली धागा लपेटिए थोड़ा सा कुछ मीठा चीज़ रखिए मिश्री वगैरह और लौंग और इलायची रखकर कर शिवजी को अर्पित करें तभी पूजा संपूर्ण होगा और आप कुम्भ राशि और सिंह राशि वालों आप लोग दोनों ही साथ साथ इलायची अर्पित कीजिएगा मनोकामना पूर्ण होगी धन्यवाद